हेलो दोस्तों, और एसएससी सीटी मेंस या ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है 32,000 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए। कैसे आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे आप अप्लाई पे जाने के बाद, ये वाला लिंक आप सबके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप सबको जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा यहाँ पे, इसको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप सब यहाँ से लॉग इन करेंगे। उससे पहले कैंडिडेट कॉर्नर, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो इन चीज़ों को आप सबको पहले पढ़ लेना है। एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये अमेंडमेंट के साथ नोटिफिकेशन है और ये इंस्ट्रक्शन जो कल ही जारी कर दी थी, आप सब ने जरूर देख ली होंगी। अब दोनों पे आए हैं तो आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो यहाँ से एक बार पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। अभी पेज 2 of 9, टोटल 9 पेज में से सेकंड पेज ओपन होगा। फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो आपको सारे के सारे पॉइंट यहाँ से पढ़ लेने हैं अच्छे से, और पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप सबको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आप सबसे क्लिक करवा रहा है कि वेदर यू हैव हिंदी और संस्कृत, क्या 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट था, तो आपको यस पे यहाँ पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से यस करते हैं कि भाई हाँ हमारे पास थे, आपके पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक, तो यस पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फिर आपको प्रोसीड टू फिल अप्लीकेशन फॉर्म पे आगे बढ़ जाना है। अब जो थर्ड पेज आ रहा है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल शो होंगी। उसके बाद आपका ये वाला पूरा का पूरा जो पेज है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है आपका। यहीं से ही क्वालिफिकेशन से आपको आगे पोर्टल के ऊपर शो होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि उम्मीदवार द्वारा सामाजिक आर्थिक मापदंड यानी सोशियो इकोनॉमिक, उसके लिए एक पीडीएफ भी दी गई है। इस पीडीएफ को जाके आप सब इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि पूरा अनेक्सचर है, जिसमें बताया गया कि फैमिली किसे कहा गया है, ब्रदर किसे कहा गया है, सिस्टर क्या है, वो डेफिनेशन सारी है। ये सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे। फिर क्योंकि इसमें स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज हैं, तो आपसे यस और नो पे पूछे, अगर आपकी स्पीड है या मतलब आपकी स्किल है स्टेनोग्राफी में तो यस पे करें, नहीं तो नो करते हुए आगे बढ़ जाएं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डू यू हैव सेम क्वालिफिकेशन एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, क्या आपके पास आवश्यक है, तो आप लिख देंगे कि बिल्कुल यस पे आप चलेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे 10th आपके सबसे पहले हो गई है, उसके बाद 12th है, आईटीआई है या डिप्लोमा है। तो जैसे यहाँ डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पे टिक है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे टिक है, और अगर उसके अलावा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सबसे एसेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट पेज है आपका, इसको बहुत ध्यान से आप सबको फिल करना है। क्वालिफिकेशन वाले में मैं एक चीज़ आपको बताऊं, क्योंकि जैसा जो क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपको आपके एडवर्टाइजमेंट देख लेनी है। जैसे ग्रेजुएशन है मान लो इनके पास, और ग्रेजुएशन में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट का नाम। अब आपके हम सोचते हैं कि ग्रेजुएशन में हमारे पास हिंदी इंग्लिश होता है, उसके अलावा हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी के पास इकोनॉमिक्स है, तो कुछ एक ऐसी वैकेंसीज है जिसमें स्पेशल कह रखा है। जैसे अगर आप सर्च करेंगे वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में तो इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ आप अगर आप सिंपल आर्ट्स लिख देते हैं तो काम नहीं चलने वाला है। देखो आर्ट्स के साथ अगर आपके पास बी ए में इकोनॉमिक्स थी तो आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स पर आपको जाना है, तब जाके पोर्टल आपको जो है एलिजिबल दिखाएगा इकोनॉमिक्स वाली वैकेंसी के लिए। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं, आप सर्च करेंगे तो 4-5 ऐसी वैकेंसी मिलेंगी जिनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन मांग रखा है, और आप सिंपल आर्ट्स कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपको यहाँ से सब्जेक्ट दे रखे हैं, जो जो सब्जेक्ट के हिसाब से आपके क्वालिफिकेशन वहाँ पे, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से, आर्ट्स में जो सब्जेक्ट हैं वो वाले सब्जेक्ट हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स दिखा रखा है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो एक बार आप सब इन सब्जेक्ट पे और एडवर्टाइजमेंट को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस सबकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको आपके क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करनी है, नहीं तो आगे जाके पोर्टल पे आपको वो एलिजिबल शो नहीं करेगा। तो ध्यान से आप सबको क्वालिफिकेशन ऐड करते चलना है। क्वालिफिकेशन के बाद जो फोर्थ पेज होगा आपका, पेज 4 of 9, वो एक्सपीरियंस का, अगर आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करके जो है नेक्स्ट पे जा सकते हैं। यानी यहाँ से क्लिक करेंगे तो प्रोसीड वाले बटन पे जाके आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। क्वालिफिकेशन आपको एडवर्टाइजमेंट देख के करनी है, आपकी क्वालिफिकेशन जो ऐड हो गई है, जो सीईटी में आपने भरा था वो भी है, और अगर आप उसके बाद आगे और ऐड करते हैं तो क्वालिफिकेशन और ऐड हो रही है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद जो पेज 5 यहाँ पे है, पेज 5 of 9, वो आपको रिव्यू दे रहा है। प्रीव्यू आपका हो गया, कंफर्मेशन यानी आगे बढ़ने से पहले एक बार पूरी डिटेल जो है व्यक्तिगत विवरण के साथ आपकी क्वालिफिकेशन के साथ उसको आपको चेक कर लेना है, और उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। पेज नंबर 5 पे ये चीज़ें दिखाई देंगी।
जब पेज को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो इसी पेज पे आपको कहा गया है कि कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करने हैं। सभी ईयर या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट को अपलोड करना है, प्रोफेशनल डिग्री जो आपके पास कोई है तो उसको अपलोड करना है, और डिक्लेरेशन है वो अनेक्सर एक्स जो सर्टिफिकेट है वो डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद फिर आप सब जो है यहाँ से हम लोग टिक करके चलेंगे और फिर प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है और आपके डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे अपलोड करने हैं। पेज 6 of 9 के ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आपको फ़ोटो के बारे में बताया गया है कि फ़ोटो जो आपकी कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं फ़ोटो अपलोड कर लेनी है आपको यहाँ से फाइल फ़ोटो चूजन। उसके बाद जो है आपकी ग्रेजुएशन जो है, जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, अगर ईयरली है तो ईयरली, और वो सभी की होनी चाहिए। ऑल ईयर और सेमेस्टर की मार्कशीट है उनकी एक कंबाइन PDF बना सकते हैं आप, और 5 MB से उनका साइज ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पे उनको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल, अगर उसके अलावा कोई आपके पास और डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट कोर्स आप JPEG फॉर्मेट में भी और PDF फॉर्मेट में भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट 3/2023 जो आई थी अपनी ग्रुप सी की, उसमें अक्षर दिया हुआ था X, वहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन है हिंदी एंड इंग्लिश में, वो आपको लिख के यहाँ पे इस पर अपलोड करनी है। मैं एक बार आपको वो पेज दिखा देता हूँ। ये वाली हमारी एडवर्टाइजमेंट थी, और इस एडवर्टाइजमेंट में जो 7 मार्च को आई थी, इस एडवर्टाइजमेंट में अनेक्सर X जो है वो बिल्कुल लास्ट में दिया गया है डिक्लेरेशन वाला। ये पूरा का पूरा पेज आपको प्रिंट लेके ये हिंदी वाला आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने हैं जैसा कहा ना, हिंदी एंड इंग्लिश, और ये फिर ये इंग्लिश वाला जो आपको यहाँ पे लिख के आपको यहाँ पे आपके साइन करने हैं। ये हो गया आपका अनेक्षर, और इस अनेक्षर को आप सबों को भी फिर अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू सेलेक्ट पोस्ट, पदों का चयन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यानी ये जो 6 नंबर स्टेप था उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो प्रोसीड होगा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, कि किस तरीके से कौन सी पोस्ट। अब यहाँ पे अगर आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही शो करी है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके का मतलब ये नहीं कि गलत तो कोई नहीं भरेगा, लेकिन जैसा एडवर्टाइजमेंट में असेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा गया उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे अभी। यहाँ पे एक बार फिर जैसे हम लोग पोस्ट अप्लाई पे जाते हैं ना, तो एक बार फिर से एक मैसेज आपको शो करता है कि दिखाए गए पद आपके द्वारा भरी गई योग्यता अनुभव के अनुसार हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता को ध्यान से पढ़िएगा, जो 20 मार्च 2023 को वेबसाइट पे HSSC पे अपलोड की गई है, फिर आप जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको अप्लाई पोस्ट पद चुनना है, 1 से लेके ये आपको 27 तक यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप इनसे भी ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि एक पोस्ट के लिए मैं आप सबसे यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, जैसे 16 नंबर है, द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सुपरवाइजर फीमेल ग्रेजुएट की वैकेंसीज है। यहाँ पे जो है ये PDF का लिंक दिया असेंशियल क्वालिफिकेशन का है, तो ये 56 नंबर था, मैं एक बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये ग्रुप नंबर दिए गए हैं, सॉरी ये ग्रुप नंबर दिए गए हैं कि किस ग्रुप में ये वाली वैकेंसी जो है आपकी काउंट होती हैं। तो यहाँ से आप PDF पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है असेंशियल क्वालिफिकेशन जो उसको शो करेगा। ये असेंशियल क्वालिफिकेशन वो छोटे से बॉक्स में दिखा रहा है, देखिएगा ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, होम साइंस वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो हम लोग यहाँ पे टिक करके देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये वाला कॉलम आपको क्या दिखा रहा है, आई सर्टिफाइड दैट आई एम एलिजिबल, तो आप एलिजिबल हैं, आपको आपने देख लिया कि मुझे लगता है हमारे हिसाब से हम एलिजिबल हैं, तो हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सेलेक्ट पोस्ट, आप लोग यहाँ पे मतलब आप एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि ये पोस्ट सेलेक्ट हो गई है आपकी, उसके बाद आप अप्लाई तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट आप सबको अपने बिहाफ पे, जितनी टोटल एडवर्टाइजमेंट में आपको कैटेगरी दिखाई गई है उन कैटेगरी की असेंशियल क्वालिफिकेशन को चेक करके आप सबको भरना है, ठीक है ना। उसके हिसाब से जैसे लोकल ऑडिट में ऑडिटर के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले आप लोग यहाँ से क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, तो उसने कहा है कि आप एलिजिबल हो भी सकते हैं और हो सकता है आप एलिजिबल ना भी हों, तो पहले आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रेफरेंस कॉमर्स वाले को मिलेगी, लेकिन ग्रेजुएशन प्रेफरेबली इन कॉमर्स, तो प्रेफरेंस और इसमें थोड़ा फर्क होता है ग्रेजुएशन में, तो लोकल ऑडिट पे चले जाएंगे आप लोग यहाँ पे ऑडिटर। उसके बाद देखिएगा रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, आप चाहें तो यहाँ से हर एक की क्वालिफिकेशन को चेक करते करते अपना फॉर्म भरते चल सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, 1842 एज जो है वो क्राइटेरिया है। असिस्टेंट फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है,
आरचीओ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, तो लाइब्रेरियन के लिए हम लोग यहाँ से क्लिक कर लेंगे इस पर। तो ये ग्रुप नंबर दिखाई गई है, कैटेगरी वाइज दिखाई गई है, जिसमें इनको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप एलिजिबल उसके हिसाब से। तो और बाकी आप फर्दर प्रोसेस पे भी जा सकते हैं अगर आपको लगे कि आप इससे भी ज़्यादा एलिजिबल हैं। फूड एंड सप्लाई में ऑडिटर पे हैं, तो आप किसी पे भी देखेंगे जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन भरी है वो वाली कैटेगरीज आप सबको यहाँ पे शो हो जाएंगी। फूड एंड सप्लाई में यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा 56 नंबर में, ये ऑडिटर हो गया सब ऑफिसेज में। यहाँ पे एक बार हम लोग इसकी भी चेक कर लेते हैं, इस ऑडिटर के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स है तो वो एलिजिबल है यहाँ पे। उसके बाद इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स में कैनाल पटवारी हो गया है, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, ग्राम सचिव पटवारी हैं, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई है, पटवारी लैंड रिकॉर्ड है और पटवारी B&R में हो गए हैं। उसके बाद है अर्बन लोकल बॉडीज सेक्रेटरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेक्रेटरी के लिए, तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है प्रेफरेंस विल बी गिवन दो डिप्लोमा इन हायर ऑफिस कोर्स इन लोकल, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रेफरेंस अलग मुद्दा है, प्रेफरेंस तब मिलेगी ना जब वो आगे वाला पेपर क्रॉस करके आपके बराबर नंबर लेके आएंगे। सोशल डेवलपमेंट एंड पंचायत एजुकेशन ऑफिसर, यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। सब डिविजनल क्लर्क है, इसके लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। रिसेप्शनिस्ट की क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग, जैसा आपको लगे ना उस हिसाब से आप सब इस प्रोसेस पे आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग। हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन के लिए देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए हॉस्टल वार्डन के लिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप चाहें तो आप जो क्वालिफिकेशन है उनको आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर असिस्टेंट स्टोर कीपर है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्टर हो गया, सॉरी फॉरेस्टर में ग्रेजुएशन है, यहाँ पे हो गए आपका 56-57 ग्रुप में लगभग पोस्टों के लिए एलिजिबली मिलते हैं। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर की वैकेंसीज हैं, तो मतलब ग्रुप बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है कि आप सोचें कि किसी एक आधे ग्रुप के लिए आप एलिजिबल होंगे, ग्रुप बहुत ज़्यादा है। 10th, 12th वोकेशनल में से हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। ये आपकी इच्छा पे है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, इसमें 12th और एक्स सर्विस मैन हैविंग 3rd क्लास आर्मी सर्टिफिकेट, तो 12th होना चाहिए। वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड में क्लर्क की वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। हेल्थ में स्टोर हो गया है, आयुष में असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया है, हरियाणा पावर जनरेशन में स्टोर मुंसी की वैकेंसीज है, तो इसको आप लोग क्वालिफिकेशन को चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो 12th होना चाहिए यहाँ पे, तो आप एलिजिबल हैं। 12th है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। अब आपको अगर लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपको यस कर दिया है, यस करने के बाद आपको यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट करना है। आपको लगे कि भैया मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ तो ये सारी यहाँ पे दी गई हैं, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो पहले मैं इसके लिए एडवर्टाइजमेंट को देखूंगा, और क्योंकि इनके पास लाइब्रेरियन है तो वहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से आ गए हैं, यहाँ से हम लोग कंट्रोल एफ करेंगे और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। तो जैसे हम लोग लाइब्रेरियन की वैकेंसी को चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी सारी उन्होंने पहले हमें शो कर दी हैं वैकेंसीज, बाकी हम यहाँ से चेक करेंगे। जैसे कैटेगरी के हिसाब से आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि 174 नंबर कैटेगरी जो है 174 हो गई है, हायर एजुकेशन में 172 नंबर कैटेगरी है, तो 172 की क्वालिफिकेशन को चेक करें, ग्रेजुएशन है बिल्कुल और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस है, तो 172 नंबर पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। यहाँ से आते हैं हम लोग और 172 नंबर को, ये रहा हायर एजुकेशन जूनियर लाइब्रेरियन, इसको हमने करा ऐड टू लिस्ट। तो देखेंगे आप सब ये ऐड टू लिस्ट हो जाएगी हमारी नेक्स्ट में यहाँ पे हायर एजुकेशन, तो हम यहाँ से कर लेंगे आई सर्टिफाइड दैट आई एम एलिजिबल। उसके बाद भी हमें लगता है कि हम किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो वैसे हम लोग पूरे स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। ये वो चीज़ है जिस पर आपको समय लगाना है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से कर देना, पूरा समय लगाना है। पूरी क्वालिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपको पढ़ना है कि यहाँ से आप लोग जो है किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टोटल कैटेगरी है, टोटल कैटेगरी में आप लोग फाइंड कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो ये पूरा स्टेप आपको यहाँ से भर देना है, उसके बाद आपको फीस वाले पे और पोस्ट सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे ये पेज नंबर 8 पे ले आएगा और आपसे कहा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपके द्वारा जमा किया गया आवेदन पत्र अस्थायी रूप से पंजीकृत कर लिया गया है और रजिस्ट्रेशन आईडी जो है विल रिमेन सेम फॉर द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एक रजिस्ट्रेशन आईडी आई है वो आपके पूरे प्रोसेस में सेम रहने वाली है। ग्रुप सी के संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के लिए आपके पंजीकरण आईडी जो है वो सेम रहने वाली है। फिर यहाँ से आप सबको एक्नॉलेजमेंट जो है ये प्रिंट करना है और उसके बाद इसको आपको साइन करने के बाद अपलोड भी करना है। इस
इसका जो 9th स्टेप है दोस्तों, वो एक्नॉलेजमेंट जो आपने साइन करके अपलोड करना है, ये वाला स्टेप रहने वाला है। तो ये 9 of 9 स्टेप पूरे हो गए हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप लोग यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे, और फाइनली आप सबको ये शो हो जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जब आप एक्नॉलेजमेंट को अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको लास्ट स्टेप ये शो होगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप सबको बेस्ट विशेज, थैंक यू।